Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about the Sale of Goods Act 1930. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑक्शन सेल की। Let's start with auction sale. Auction means नीलामी। नीलामी के थ्रू चीजों की सेल करना। इसी टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। A sale by auction is a public sale. जब हम नीलामी के थ्रू सेल करते हैं तो इसको एक नाम दिया जा रहा है कि ये पब्लिक सेल है, पब्लिक को सेल की जा रही है। We are different intending buyers. Intending means इच्छुक, जहां पर बहुत सारे इच्छुक बायर ट्राई टू आउटबिड ईच अदर मीन्स एक दूसरे से ज्यादा बोली लगाते हैं। ए सेल बाय ऑक्शन इज ए पब्लिक सेल, ये एक पब्लिक सेल है। यहां पर बहुत सारे इच्छुक बायर एक दूसरे से ज्यादा बोली लगाते हैं। द गुड्स आर अल्टीमेटली सोल्ड टू द हाइएस्ट बिडर, वो व्यक्ति जो कि सबसे ऊंची बोली देता है, गुड्स उसको बेच दी जाती हैं। द ऑक्शनियर हु सेल्स द गुड्स बाय ऑक्शन इज एन एजेंट ऑफ द सेलर, दैट इज द ऑनर। जो ऑक्शनियर वस्तुओं को बेच रहा है, जो वस्तुओं की ऑक्शन कर रहा है, जो वस्तुओं की नीलामी कर रहा है, वो सेलर का एजेंट है। हिज रिलेशनशिप विद द ऑनर ऑफ द गुड्स इज गवर्न्ड बाय द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू एजेंसी। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस तरह से प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, उसी तरह से यहां पर ऑक्शनियर और ऑनर ऑफ द गुड्स का रिलेशन होगा। जो व्यक्ति ऑनर है और जो व्यक्ति ऑक्शनियर है, इन दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पाया जाएगा। दोनों के अंदर रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट का होगा। नाउ द प्रोसीजर ऑफ ऑक्शन सेल। यूजर प्रोसीजर इन द केस ऑफ ऑक्शन सेल इज एज फॉलो। इस ऑक्शन सेल के अंदर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, मैं आपके सामने इस प्रोसीजर को टेकअप कर रहा हूं। द प्रपोज ऑक्शन इज ड्यूली एडवर्टाइज्ड एंड ए प्रिंटेड कैटलॉग ऑफ गुड्स टूगेदर विद द टर्म्स ऑफ सेल इज सर्कुलेटेड। जिस ऑक्शन को किया जाना है, उस ऑक्शन को पहले एडवर्टाइज किया जाएगा, एक प्रिंटेड कैटलॉग ऑफ गुड्स को बनाया जाएगा और इसके अंदर सेल की सारी टर्म्स और कंडीशन दे दी जाएगी। इस प्रिंटेड कैटलॉग को हम पब्लिक के अंदर सर्कुलेट कर देंगे। ऑन द अपॉइंटेड डे एंड टाइम, जो दिन और समय हमने रखा है, उस दिन द इंटेंडिंग बायर्स असेंबल, उस दिन इच्छुक बायर उस जगह पर इकट्ठा होंगे। एंड द ऑक्शनर पुट्स द डिफरेंट लॉट्स टू ऑक्शन। स्टूडेंट इस बात का मतलब देखिएगा, एंड द ऑक्शनियर पुट्स द डिफरेंट लॉट्स टू ऑक्शन। मान लीजिएगा ऑक्शनियर ने बहुत सारी गुड्स को बेचना है, उस केस के अंदर लेट्स अज्यूम दैट कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, डिश वॉशर्स हैं, तो वो इन सारी चीजों का एक लॉट बना के अलग कर देगा। एंड ही इन्वाइट्स बिड फ्रॉम द इंटेंडिंग बायर। जो बायर खरीदने के इच्छुक हैं, अब वो उनसे ही कहेगा आप इनकी बोली दीजिए। Every bid is an offer. Intending buyers जब अपनी bid देंगे, अपनी बोली देंगे, तो उनकी हर bid एक offer है। The auction goes in favor of the highest bidder. जो व्यक्ति goods का सबसे ज्यादा price offer करेगा, उसी को ही वो वस्तु जो कि नीलाम की जा रही है बेच दी जाएगी। The highest bid is accepted by the auctioneer in a customary method. जिसने हाईएस्ट बिड करी है, उसकी बिड को एक्सेप्टेंस देने का एक तरीका है। हमारा कुछ कस्टम, कुछ रीति रिवाज है, उन रीति रिवाज के अंदर हम किस तरह से ऑक्शन के अंदर बोली को एक्सेप्ट करेंगे, इसके लिए कुछ तरीके हैं। जो रीति रिवाज के अंदर तरीके बनाए गए हैं, उसके अंदर सबसे पहला है बाय द फॉल ऑफ द हैमर। ऑक्शनर हैमर को नीचे मारेगा या ऑक्शनर यूज करेगा बाय यूजिंग द वर्ड 1, 2, 3। जैसी वो 3 बोलेगा, उसके बाद ये चीज मान ली जाएगी कि वो बिक गई
उस बिडर को जिसने हाईएस्ट बिड दी है, या फिर ऑक्शनर बोलेगा गोइंग गोइंग गॉन। जैसे ये गोइंग गोइंग गॉन बोलेगा, जा रही है और चली गई, जैसे ये टर्म गोन खत्म होगा, हाईएस्ट बिडर को वो चीज बेच दी जाएगी। द ऑक्शनर दस नॉक्स डाउन द लॉट टू द हाईएस्ट बिडर। ऑक्शनर ने हाईएस्ट बिडर को अपना हैमर नॉक करके अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। हाईएस्ट बिड कॉन्स्टिट्यूट द ऑफर। जो बिड दी गई है हाईएस्ट, वो एक ऑफर है। और जैसे ही ऑक्शनर अपना हैमर नॉकडाउन करेगा, नीचे मारेगा, ऑक्शनर की तरफ से इसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एक एग्रीमेंट हो गया। द फॉल ऑफ द हैमर, हैमर का नीचे गिराना, इस हथौड़े का नीचे गिराना, और अदर कस्टमरी अनाउंसमेंट। अदर कस्टमरी अनाउंसमेंट मीन्स जो और रीति रिवाज के अंदर अनाउंसमेंट है, लाइक 1, 2, 3 आर गोइंग गोइंग गॉन। ये अनाउंसमेंट इट कॉन्स्टिट्यूट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर बाय द ऑक्शनियर। ऑक्शनियर का ये हैमर का नीचे गिराना, या 1, 2, 3 बोलना, या गोइंग गोइंग गॉन बोलना, ये ऑक्शनियर की तरफ से एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अंटिल एक्सेप्टेंस, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई, एनी बिडर में रिट्रैक्ट हिज बिड। कोई भी नीलामी के अंदर बोली देने वाला अपनी बिड को वापस ले सकता है, अपनी बोली को वापस ले सकता है। एट दिस स्टेज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कंप्लीटेड। जैसे ही ऑक्शनर ने हैमर को नीचे मारा, उस वक्त ये सेल कंप्लीट मानी जाएगी। वहां पर ये एक्सेप्टेंस हो गई और ये सेल कंप्लीट हो गई, वो वस्तु उस हाईएस्ट बिडर को बिक गई। क्वाइट ऑफन द ऑक्शनर रिजर्व्स ए राइट टू रिफ्यूज द हाईएस्ट बिड एट हिज डिस्क्रिशन। कई बार ऑक्शनर को ये लगता है कि जिस व्यक्ति के हाईएस्ट बिड है उसका प्राइस उसे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो उस पर्टिकुलर हाईएस्ट बिड को भी रिफ्यूज कर सकता है। इस बात के लिए वो ये अधिकार अपने पास पहले ही रख लेता है। सो ऑक्शनर की ये मर्जी है कि अगर वो हाईएस्ट बिड को भी रिफ्यूज करना चाहे तो वो रिफ्यूज कर सकता है। इस बात के लिए वो अपने पास राइट को रिजर्व कर सकता है। सिमिलरली बिफोर फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ द बिड और फॉलिंग ऑफ द हैमर, इट इज ऑलवेज ओपन टू द बिडर टू विड्रॉ हिज बिड। कोई भी बिडर, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, फॉल ऑफ द हैमर को एक्सेप्टेंस माना जाएगा। इससे पहले कोई भी बिडर चाहे तो अपनी बिड को वापस ले सकता है, अपनी बोली को वापस ले सकता है। थैंक यू वेरी मच।